दोस्तों यशपाल शर्मा एक फॉर्मर इंडियन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे जो 1980 के दशक में भारत के लिए खेले थे। उनका 66 साल की आयु में 13 जुलाई 2021 को नई दिल्ली में उनके आवास पर निधन हो गया। 13 जुलाई 2021 की सुबह मॉर्निंग वॉक से लौटने के बाद अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं गिर गए और उनकी मौके पर ही डेथ हो गई। दोस्तों यशपाल शर्मा का जन्म 11 अगस्त 1954 को पंजाब के लुधियाना शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रेमचंद शर्मा था और उनकी माता का नाम प्रतिभा शर्मा है। यशपाल शर्मा ने सबसे पहले 1972 में जम्मू कश्मीर के स्कूलों के खिलाफ पंजाब के स्कूलों के लिए 260 रन बनाए थे। दो साल के समय में वो राज्य की टीम के साथ साथ नॉर्थ जोन यानी कि उत्तर क्षेत्र की टीम का हिस्सा बन गए जिसने विजी ट्रॉफी जीती थी। यशपाल की पहली बड़ी पारी नॉर्थ जोन के लिए खेलते हुए आई थी। दिलीप ट्रॉफी 1997 में साउथ जोन के खिलाफ 173 रन का उसमें इन्होंने स्कोर खड़ा किया था। इस पारी ने उन्हें एक राष्ट्रीय टीम कॉल के बहुत करीब ला दिया था। हालांकि अगले साल ईरानी ट्रॉफी में 99 रन बनाकर यशपाल को पाकिस्तान के लिए टीम में जगह दिलाई। उन्होंने पाकिस्तान में 2 वनडे मैच खेले लेकिन उन्हें टेस्ट टीम के लिए नहीं चुना गया। 1979 में यशपाल ने भारतीय विश्व कप टीम के हिस्से के रूप में इंग्लैंड का दौरा किया लेकिन विश्व कप का कोई भी खेल नहीं खेल पाए। हालांकि उन्होंने विश्व कप के ठीक बाद की सीरीज में 4 टेस्ट मैचों में से 3 में भाग लिया था। उन्होंने इंग्लैंड दौरे पर 58.93 की औसत से 884 रन बनाए थे। इंग्लैंड के सफल दौरे के बाद वो भारतीय पक्ष के रेगुलर हो गए और 1979 में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट के लिए चुने गए। उसके बाद कानपुर में खेले गए टेस्ट में एक जोड़ी पर आउट होने के बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4th टेस्ट में अपना पहला टेस्ट शतक लगाया। 1980 में यशपाल ने विक्टोरिया के खिलाफ अपना सर्वोच्च फर्स्ट क्लास स्कोर 201 रन बनाया। उस 201 रन के अलावा चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी वापसी के खेल में उन्होंने शानदार 140 रन बनाए और गुंडप्पा विश्वनाथ के साथ तीसरे विकेट के लिए 316 रन की साझेदारी की। उनकी टफ डिफेंस टेक्निक्स ने उन्हें एक हार्ड बल्लेबाज बना दिया। यशपाल शर्मा 1983 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा थे और उन्होंने भारत की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले मैच में उन्होंने 89 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया जिससे भारत को 34 रनों से जीत मिली। वो फिर से सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 61 रन बनाकर शीर्ष स्कोर पर थे जिससे भारत को 6 विकेट से जीत मिली। विश्व कप जीत के बाद यशपाल के कैरियर में मंदी का दौर शुरू हो गया। 1983 में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के खिलाफ खराब प्रदर्शन के बाद उन्हें टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया था। वो टेस्ट टीम में कभी वापस नहीं आ पाए लेकिन टेस्ट टीम से बाहर होने के बाद उन्होंने कुछ एक दिवसीय मैच खेले। 1987 में वो पंजाब से हरियाणा चले गए और फिर रेलवे के लिए खेलने लगे। संन्यास लेने के बाद यशपाल शर्मा ने कुछ समय तक अंपायरिंग में अपना हाथ आजमाया। उन्होंने 2005 तक 2 साल तक चयनकर्ताओं के रूप में भी काम किया और फिर 2008 में उन्हें फिर से नियुक्त किया गया। दोस्तों कई सालों तक यशपाल शर्मा की टीम के साथ सुनील गावस्कर ने उन्हें क्रिसिस मैन का नाम भी दिया। यशपाल शर्मा भारतीय क्रिकेटर चेतन शर्मा के चाचा हैं और यशपाल शर्मा अपने भतीजे से करीब 12 साल बड़े हैं। दोनों ने 2 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय यानी कि ODI में एक साथ भारत का प्रतिनिधित्व किया। यशपाल शर्मा बल्लेबाजी और गेंदबाजी के अलावा विकेट में भी अपना अच्छा हाथ रखते थे। तो ये थी दोस्तों यशपाल शर्मा जो कि एक फॉर्मर इंडियन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे जो 1980 के दशक में भारत के लिए खेले थे, उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। उनका 66 साल की आयु में 13 जुलाई 2021 को नई दिल्ली में उनके आवास पर निधन हो गया। 13 जुलाई 2021 को जब वो सुबह मॉर्निंग वॉक से घर लौट रहे थे तब उनका अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया।